राजीव गांधी ग्रामीण शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन आज से। पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करने की योजना, गांव की खेल प्रतिभाएं भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक खेले। प्रतियोगिताओं में सफलता हासिल करने पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम होगा रोशन। डिडवाना राजस्थान सरकार द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न खेलों को बढ़ावा देने और प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजीव गांधी ग्रामीण शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अनुसार राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक 2023 खेलों का आयोजन 5 अगस्त से 18 सितंबर तक होगा, जिसकी तैयारियां को लेकर डिडवाना उपखंड समेत ग्रामीण क्षेत्रों में ओलंपिक खेलों की तैयारियां जोरों पर चल रही है। सीबीओ अर्जुन राम डुकिया ने बताया कि राज्य सरकार की यह पहल अच्छी पहल है, जिससे खेलों को बढ़ावा मिलेगा। पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करने, गांव की खेल प्रतिभाएं भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में सफलता हासिल कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन कर सकेगी। स्वायत्त शासन विभाग अनुपालना में उपखंड क्षेत्र डीडवाना में राजीव गांधी शहरी ओलंपिक -2023 खेलों का आयोजन। चयनित खेल कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स 100 मीटर, 200 मीटर एवं 400 मीटर, फुटबॉल पुरुष वर्ग व खो खो महिला वर्ग का शहरी स्तर पर एवं ग्रामीण स्तर पर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों कबड्डी, शूटिंग बॉल, टेनिस, क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, रस्साकसी का आयोजन दिनांक 5 अगस्त से किया जाना है, जिसको लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उपखंड अधिकारी जीतू कुलहरी के द्वारा, साथ ही उपखंड अधिकारी जीतू कुलहरी ने मीडिया से रूबरू होकर खेलों के प्रति लोगों से ज्यादा भागीदारी निभाने का और युवाओं का हौसला अफजाई करने के लिए इन खेलों में पधारने की अपील की है। वहीं उपखंड अधिकारी ने कहा है कि खेलों के माध्यम से जो हमारे शहरी क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र की जो छुपी हुई प्रतिभा आए हैं वह सामने आएगी और अपने खेलों का प्रदर्शन कर अपने उपखंड जिले का नाम रोशन करेगी। वही अच्छा प्रदर्शन करने पर राज्य स्तर तक भी बालक बालिका ए जाएंगे और उपखंड का नाम रोशन करेंगे। वही राज्य स्तर तक पहुंचने के बाद में राज्य में जो प्रथम स्थान हासिल करेगा उसके लिए राज्य सरकार विशेष पुरस्कृत करेगी। ग्रामीण ओलंपिक्स खेल शहरी और ग्रामीण दोनों की तैयारियां पूरी कर ली गई है और जो समारोह होगा उसकी तैयारियां है वो चल रही है। कल समारोह शुरू होगा। शहरी ओलंपिक के लिए मिर्धा स्टेडियम जो अपना है वहाँ पर इसका समारोह पूर्वक आयोजन किया जाएगा और सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर, सभी पीओ एरिया में, स्कूलों में इनका आयोजन समारोह है वो आयोजित किया जाएगा। जो भी ग्रामीण ओलंपिक में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, जिन भी खेलों के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, उन सभी प्लेयर्स को कल के समारोह में, आयोजन समारोह में आना है और साथ ही जो प्रतियोगिताएं होंगी गेम्स की उनका शेड्यूल तय कर लिया गया है। संबंधित सीबीओ साहिबान ने अपनी पीटीआई एंड अपनी टीम के माध्यम से खेलों का शेड्यूल है वो तय किया है। उसके अनुसार खेलों का आयोजन जो लोकल खेल स्टेडियम होंगे उनमें किया जाएगा। सभी पीओ स्कूलों में खेलों के लिए जो मैदान है उसमें संबंधित वीडियो और ग्राम विकास अधिकारियों को वहाँ की साफ सफाई हेतु पाबंद करवाया गया है। सभी आमजन से अपील है कि इन खेलों में आप अपना भागीदारी सुनिश्चित करें और खेलों का आनंद लें ताकि जो प्रतिभागी हैं उनका मनोबल बढ़े और ग्रामीण ओलंपिक जो हैं उनका यहाँ से आयोजन के बाद में पंचायत समिति स्तरीय आयोजन होगा। उसमें विनर्स जो होंगे उनका जिला स्तरीय आयोजन में पार्टिसिपेशन होगा, देन राज्य स्तर पर पार्टिसिपेशन होगा। तो सभी प्रतिभागी बहुत ही तन्मयता से इन खेलों में अपनी पूरी रुचि से, पूरी लगन के साथ मेहनत करके खेलें और कोशिश करें कि अपन स्टेट लेवल में जीत कर आए। और चूंकि इस बार की बजट घोषणा में जो भी टीमें स्टेट पर विनर रहेंगी उनकी पंचायत में खेल स्टेडियम राज्य सरकार की तरफ से बनाया जाएगा, तो सभी इन खेलों में बहुत अच्छे से मेहनत करके पार्टिसिपेशन दें और लोग जो आम लोग हैं, आम पब्लिक हैं, सभी से मेरा आग्रह है कि इसमें जो पार्टिसिपेंट हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आप समारोह में और प्रतियोगिताओं में शामिल होकर उनका मनोबल बढ़ाएँ। और सभी से आग्रह है कि चूंकि फेयर जो आयोजन है इनका किया जा रहा है, हमारी सक्षम जो टीम है वो इसमें लगाई गई है, तो किसी भी प्रकार का विवाद होने पर आप तुरंत सूचित करें। ऐसी कोई संभावना आपको लगती है तो भी सूचित करें। कानून व्यवस्था बनाने में भी इन खेलों के दौरान आप सहयोग करें। धन्यवाद।